नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे शो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार साथियों, मैं नेहा गौड़ कैंट विधानसभा से आपके बीच में, और स्पेशली देखिए इसीलिए आई हूँ क्योंकि आज मैंने सुना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो आज कंकड़खेड़ा में कैंट प्रत्याशी जो है हमारे भाजपा के अमित अग्रवाल जी के प्रचार के लिए डोर टू डोर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारी कैंट की प्रत्याशी है मनीषा अहलावत जी, जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं और इतनी मजबूत हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को कितना डर हुआ कि खुद मौजूदा मुख्यमंत्री को डोर टू डोर प्रचार करने के लिए आना पड़ रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि नारी शक्ति है सब पे भारी है, और मैं ये कहूंगी कि ये इतिहास 47 साल का इतिहास मनीषा अहलावत जी बदल कर दिखा देंगे। और एक बात और, हस्तिनापुर भी जाएंगे, तो ये डर और खौफ ही है भारतीय जनता पार्टी का कि देखिए कितना डर और खौफ कि इन लोगों को प्रचार करने के लिए अपने मौजूदा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश से मेरठ के कंकड़खेड़ा में भेजना पड़ रहा है, वो भी डोर टू डोर प्रचार करने के लिए। और उसके बाद मैं आपसे एक बात और कहूंगी, मेरा निवेदन है, अपील है कि मनीषा अहलावत जी महिला है, महिला ताकत बहुत बड़ी होती है, और एक जब महिला आप मैदान में उतरती है तो एक जीत का आगाज लेके उतरती है। मैं कहना चाहूंगी भाइयों इतिहास बदल देना, आज योगी जी आपके घर उस जगह जगह पर आएंगे, डोर टू डोर आएंगे, और उन्हें बता देना कोविड में क्या हुआ था, कोविड में कौन आपके बीच में आया था, शिक्षा, बेरोजगारी, जितनी भी चीजें हैं, महंगाई, टेट का एग्जाम, बलात्कार, जुल्म, हत्याएं, जो भी चीजें हैं वो आप रख देना, अपने निजी मुद्दे रख देना, और वोट अगर तब मांगे तो अपना अधिकार देकर जो आपको सही लगे वो चीज कर देना। और ये देख लेना कि एक महिला से, एक कैंट प्रत्याशी महिला से कितना डर है योगी जी को, योगेश वर्मा जो हमारे हस्तिनापुर के मजबूत प्रत्याशी हैं, कितना डर है कि आज योगी जी को वहां पर भी डोर टू डोर प्रचार करने जाने पड़ रहा है, जबकि हम अपने प्रत्याशियों को ये कह रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि बहन जी भैया आप लोग कहीं मत जाओ, हम हैं, हम संभाल लेंगे। और वहां देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत और खौफ और डर, इससे ज्यादा इतना खौफ और डर नहीं हो सकता। हार की, इतनी बड़ी हार का परिणाम उनके सामने है कि उन्हें खुद आना पड़ रहा है, मौजूदा मुख्यमंत्री साहब आपके मेरठ में आ रहे, कंकड़खेड़ा में आ रहे, मेरे से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है जिस प्रकार से हमें प्रचार करने के। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यह सारे ही नियम आचार संहिता का, आज आचार संहिता नहीं है, जो पूरा ही भगवा रंग से, मैंने देखा कि पूरा कंकड़खेड़ा भगवा रंग से सजा हुआ है।